आमतौर पर उपलब्ध सामग्रियों को इकट्ठा करें। विज्ञान प्रदर्शनियों, विज्ञान क्लब, क्लासरूम में माता पिता से मिलने के दौरान उन्हें अपने प्रदर्श मॉडल प्रदर्शित करने के लिए और बातचीत के दौरान उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, शौचालय, खेल के मैदान आदि के उन स्थानों की पहचान करें जहां बिजली और पानी की बर्बादी हो रही है। प्राकृतिक संसाधनों और उनके संरक्षण के महत्व पर चर्चा हो सकती है, जिससे उनके दिन प्रतिदिन के जीवन में अच्छी आदतों को अपनाने के लिए दृढ़ विश्वास पैदा होता है। विद्यार्थी ऐसे मुद्दों पर एक संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित कर सकते हैं। गतिविधियों, परियोजनाओं, प्रयोगों के अपने निष्कर्षों, जैसे कि अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर का काम करना, इंद्रधनुष का बनना आदि को साझा करें। मौखिक और लिखित रूपों में उपयुक्त तकनीकी शब्दों, आकृतियों, तालिकाओं, आरेख आदि का उपयोग करके अपने निष्कर्षों को साझा करने के लिए रिपोर्ट लेखन के लिए सुविधा प्रदान की जा सकती है। उन्हें अपने प्रेक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।